चैलेंज किया था ना तुमने मुझे, अभी तो सिर्फ ब्रेसलेट उठाया है और तुम्हें माफी मांगनी पड़ी। हाँ बस एक मारिया इस घर में अच्छी है, सब उसी के गुण गाओ। पहले अजित था, अब तुम शुरू हो गए, पता नहीं चल क्या रहा है सबके बीच में। कोई भी शौहर अपनी महबूबा से मिलने जाएगा तो अपनी बीवी को बता कर जाएगा क्या? आप मुझे बताएं कि आपके दिल में अंबर के लिए मोहब्बत है या नहीं? तुम्हारे रोज से ब्रेसलेट मैंने ही उठाया था और फिर बाद में वापस भी रखती हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको इतनी घटिया हरकत करते हुए। मुझे तो इस बात का पहले से यकीन था ये सब कुछ आपने किया है। पर असजद को तो तुम पर यकीन नहीं है ना, उसे तो तुम्हारी किसी बात पर भी भरोसा नहीं। पर क्या ही कर सकते हो, मजबूर। और मेरा तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैसी बात है ना, अजहर से कुछ भी कह लोगी पर वो तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। पता नहीं आपको ये सब कुछ करके क्या मिलता है, सुकून। चैलेंज किया था ना तुमने मुझे, अभी तो सिर्फ ब्रेसलेट उठाया है और तुम्हें माफी मांगनी पड़ी। आगे ना जाने क्या क्या होगा, देखती जाओ। बेबी, अम्मी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मारिया के सामने जलील करके रख दिया, कभी डांटा तक नहीं आपने मुझे, हमेशा मेरी गलतियों को नजरअंदाज किया, और आज क्या था जो चुप रह जाती हैं? यही हमारी गलती थी कि इससे पहले तुम्हारी गलतियों पे हमने डांटा नहीं। अगर डांटा होता ना तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की? अरे अपनी भाभी का देवर चुरा लिया, चोरी नहीं की हमने। मत बात मत कीजिए आप, मैंने सिर्फ वो ब्रेसलेट छुपाया था, वो भी मारिया को सबक सिखाने के लिए। चोरी की होती तो मैं वापस रखती अपनी जगह। कुछ भी कह लो, चोरी ही कहलाएगा। आइंदा ऐसी गलती मत करना बेबी। तुम्हारी आंखें क्यों इस तरह से लाल हो रही हैं, तुम रो रही थी? हाँ रो ही हूँ, किस्मत फूट गई है मेरी। क्या हो गया बेबी तुमको? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है तुम्हारे पास, किस चीज की कमी है? रिश्ते हैं, सुकून से जिंदगी गुजार रही है, और क्या चाहिए? दुनिया में ना वो औरतें बड़ी खुशनसीब होती हैं जिनके शौहर उनका दर्द महसूस कर ले। आंखों में आंसू देखते ना दिल तड़प उठता, और एक तुम हो, मुझे ही ताने देना हमेशा। दुनिया में ना वो शौहर भी बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी बीवियों की वजह से उनके घर में सुकून कायम रहता है, लेकिन एक मैं हूँ जिसे एक लम्हा सुकून का मयसर नहीं होता। बस और तुम्हारी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। ऑफिस से आए हूँ थका हुआ, यानी कि एक ग्लास पानी का पूछ लो मुझे। वो तो भला वो मारिया का। हाँ बस एक मारिया इस घर में अच्छी है, सब उसी के गुण गाओ। पहले अजित था, अब तुम शुरू हो गए, पता नहीं चल क्या रहा है सबके बीच में। क्या बोल रहे जा रही हो, पागल हो गई हो क्या? अजित इस वक्त जिस जरूरी काम से जा रहा है, मैं तो मैं बताती, अंबर से मिलने जा रहे हैं। झूठ बोल रही हैं आप, अगर वो अंबर से मिलने जाते तो मुझे बता के जाते, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी उन्हें। कैसी बातें करती हो हैं? तुम इतनी नादान तो नहीं हो जितनी तुम बनती हो। कोई भी शौहर अपनी महबूबा से मिलने जाएगा तो अपनी बीवी को बता कर जाएगा क्या? मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो जाकर अम्मी से पूछ लो, वो खुद उन्हें बता कर गया है। मामू के घर जा रहा हूँ, अंबर का फोन आया था। तो फिर मैं तो उसने ये भी नहीं बताया होगा कि उसने अपने ऑफिस में ही अंबर को जॉब भी दे दी। आपने अंबर को भी जॉब पे रख लिया ना ऑफिस में? आ रखा है। ये बात भी आपने मुझसे छुपाई? For God's sake मारिया, अब मैं क्या तुम्हें हर बात बताऊंगा? ऑफिस में रोजाना पता नहीं कितने नए एम्प्लॉयज रखता हूँ, सबकी खबर दूं क्या? हाँ लेकिन वो सब एम्प्लॉय आपके पुरानी मोहब्बत नहीं होते। तुम गलत बात कर रही हो। क्या गलत बात की है मैंने? चोरी अपनी चोरी छुपाता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है आपने पूरा इरादा कर लिया कि मारिया को पागल कर देना है। तुम क्या चाहती हो? सब सच।
आप मुझे बताएं कि आपके दिल में अंबर के लिए मोहब्बत है या नहीं। अगर हमारे दरमियान झगड़ा हो गया था तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम रूम से निकल जाओ। तुम्हें रूम में ही रहना चाहिए था। अगर मैं कमरे में नहीं आई थी तो आप यहाँ पे आके मुझे मना सकते थे ना? अगर मेरी गलती होती तो मैं जरूर मना। अभी तुम सब्जी काट रही हो रिबा, मैं समझी थी खाना बन गया होगा। अनूर आती होगी, तुम्हें पता है आते ही वो खाना मांगेगी। आप क्या मुझे मशीन समझती हैं कि मिनटों में खाना रेडी कर दूंगी मैं? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए देखा तो समझी कि शायद खाना बन गया, इसीलिए तुम इतने इत्मीनान से फोन पे बात कर रही हो। अब आपको मेरा अपनी फ्रेंड्स से बात करना भी खटक रहा है? अगर इतनी प्रॉब्लम है ना तो कोई मेड रख लें, अब मुझे मसला नहीं है। क्या हुआ मारिया बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आज सारा दिन तुम कमरे से बाहर ही नहीं आए। ठीक है, बस वो थोड़ी सी तबीयत अजीब हो रही। तुम्हारा तो बीपी बहुत लो लग रहा है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी आ गए आज ऑफिस? जी हम अभी कहने वाले थे मारिया से कि तुम्हें फोन करे। हैरियत, ये सर देखो तो सही, हमें तो उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चेहरा भी कैसे उतर गया। अब जल्दी आ गए हो तो इसको ले जाओ डॉक्टर के पास, चेकअप करवाओ। मारिया बेटा तुम अपनी डॉक्टर को फोन करके अपॉइंटमेंट ले लो। अब आराम करो, हम जूस भिजवाते हैं आप लोगों के। थैंक यू। डॉक्टर को फोन करके बता दो, मैं ले जाता हूँ तुम्हें फिर हॉस्पिटल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हर बात में बहस अच्छी नहीं होती है, रेडी हो जाओ मैं ले जाऊँ। नहीं जाना है मुझे कहीं पर। ये जिंदी तो नहीं थी तुम? आप भी इतने सख्त दिल नहीं थे। क्यों आपको समझ नहीं आता है कि मुझे हॉस्पिटल की नहीं बल्कि आपकी अटेंशन की जरूरत है? कैसे समझाऊं तुम्हें? देखो मैं नहीं चाहता तुम पे सख्ती करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हें कुछ भी, लेकिन क्या करूं, मजबूर हो जाओ। तुम ऐसे हालात पैदा कर देती हो कि मुझे सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा खैर छोड़ो, सब खत्म करो, चेंज करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा एहसास नहीं? अगर एहसास ना होता तो फिक्र करता तुम्हारे? मुझे है एहसास तुम्हारा, इसीलिए फिक्र रहता। आओ गेट रेडी, आई विल टेक यू टू द हॉस्पिटल। मैं भी जरा चेंज।